अब हम लूप यूज करके कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे. आज का क्वेश्चन है एक्सेप्ट एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग सी प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट लेना होगा. अज्यूम करते हैं कि हमने एंटर किया 5. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 जो हमने एंटर किया वो वैल्यू सब जगह पे कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है. तो अब इस चेंज्ड वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो वो 1 से लेके 10 तक के रेंज में है. और हमने लास्ट वीडियो में रेंज के वैल्यू कैसे डिस्प्ले करने हैं वो देखा था. मतलब ये जो 1 से लेके 10 तक दिख रहा है ये हमारा काउंटर है जो 1 पे स्टार्ट होता है और 10 पे खत्म हो जाता है. अब उसके आगे जो वैल्यू हमें दिख रहा है, मतलब इक्वल टू के बाद का जो वैल्यू है वो है 5 मल्टीप्लिकेशन 1, 5 मल्टीप्लिकेशन 2. यानी कि अगर हम काउंटर को आई समझते हैं और जो इनपुट नंबर किया है उसको अगर हम एन समझते हैं तो वो वैल्यू है एन इंटू आई. इस प्रोग्राम में हमें 3 वेरिएबल चाहिए. पहला इनपुट के लिए, सेकेंड काउंटर का वेरिएबल, और थर्ड जो वैल्यू आगे डिस्प्ले होगा इक्वल टू का उसके लिए. अब सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं. इनपुट के लिए 2 कमांड्स, printf और scanf. printf इंडिकेट करेगा कि यूज़र को क्या एंटर करना है. एंटर एनी नंबर और scanf जिसका वैल्यू हम n में स्टोर रखेंगे. अब हमारा जो काउंटर है वो 1 से 10 तक है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है और 10 पे एंड होता है. इसलिए हम लिखेंगे उसका स्टार्टिंग वैल्यू, दैट इज इनिशियलाइजेशन, वो होगा आई इज इक्वल टू 1 और एंड होगा 10 पे. इसलिए आई लेस देन इक्वल टू 10 और 1 से 10 तक, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, सो इंक्रीमेंट होगा. सो ये होगा हमारा रेंज. अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो वैल्यू होगा n इंटू आई, मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस तरह से 10 तक. अब हम डिस्प्ले करेंगे, जिसके लिए हम लिख रहे printf 3 परसेंट डी. पहला परसेंट डी n के लिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन जिसके लिए हम स्मॉल x लिखेंगे, परसेंट डी काउंटर के लिए इक्वल टू के बाद हमारा वैल्यू डिस्प्ले होगा उसका परसेंट डी, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश n. तो पहला परसेंट डी का वेरिएबल लिखते हैं, वो क्या है n. दूसरा परसेंट डी का वेरिएबल i और तीसरा परसेंट डी का वेरिएबल v. स्क्रीन पे वेट करने के लिए गेट सी एच. सपोज 4 एंटर किया, फाइव एंटर किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.